नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। तो दोस्तों, इस वीडियो में एक और राजस्थान की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की भर्ती के बारे में जानकारी देना चाहेंगे। दोस्तों, 1100 से अधिक पदों के लिए इस वैकेंसी की मंजूरी मिल चुकी है बड़ापेट चिकित्सा विभाग की ओर से। तो आइए देख लेते हैं कौन सी वो वैकेंसी है, क्या उसके लिए क्वालिफिकेशंस रहने वाली हैं। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज़ समाचार जो चैनल है उसका ट्वीट आप लोग देख सकते हैं, लगभग 49 मिनट पहले का ये अपडेट है। और देखिए यहाँ पर जयपुर सीएम गहलोत की बेरोजगार लैब टेक्नीशियन को बड़ी सौगात, चिकित्सा विभाग से आज की बड़ी खबर, लैब टेक्नीशियन के 1119 रिक्त पदों पर होगी सीधी भर्ती, चिकित्सा विभाग के प्रस्ताव को मिली सरकार से वित्तीय मंजूरी। दोस्तों, 1119 जो पोस्ट हैं लैब टेक्नीशियंस की, उनको यहाँ पर भरा जाएगा। लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी यहाँ पर आने वाली है। वित्तीय स्वीकृति भर्ती के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो यहाँ पर मिल चुकी है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सीएम गहलोत की बेरोजगार लैब टेक्नीशियन को बड़ी सौगात, चिकित्सा विभाग में आज की बड़ी खबर, लैब टेक्नीशियन के 1119 पद यहाँ पर होने वाले हैं, चिकित्सा विभाग के प्रस्ताव को वित्तीय मंजूरी मिल गई है, कोविड-19 में स्टाफ की आवश्यकता को देखते हुए होगी सीधी भर्ती, राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ ने किया स्वागत, प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह, मीडिया प्रभारी संतोष शर्मा का बयान, लंबे समय से खाली चल रहे थे लैब टेक्नीशियन के पद, सरकार के इस फैसले से लैब टेक्नीशियन कार्य प्रणाली होगी मजबूत, सैंपलिंग और टेस्टिंग की प्रक्रिया में आएगी तेजी। दोस्तों, यहाँ पर 1119 जो पोस्ट हैं उनको भरा जाएगा, यानी कि 1119 पदों पर वैकेंसी इसमें आने वाली है। क्वालिफिकेशन दोस्तों, इसमें डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियंस का आपके पास होना चाहिए और ये 12वीं बेस पर ये वैकेंसी की जानी है, ठीक है। तो 1119 पद हैं और इसके लिए कोविड-19 की आवश्यकता को देखते हुए, क्योंकि लैब का काम ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो टेस्टिंग है, सैम्पलिंग है, उनकी जांच करना लैब टेक्नीशियन के जुम्मे है, और इसलिए 1119 पद जल्द से जल्द भरे जाएंगे सीधी भर्ती के माध्यम से, ठीक है। और यहाँ पर आज जिसको वित्तीय जो मंजूरी है भर्ती की वो यहाँ पर मिल चुकी है, बहुत जल्द ये वैकेंसी आप लोगों के सामने होगी और 1119 पद यहाँ पर भरे जाने हैं। तो एक और निर्णय, अच्छा निर्णय यहाँ पर चिकित्सा विभाग की ओर से, सरकार की ओर से 1119 लैब टेक्नीशियंस को भर्ती करने का, सीधी भर्ती की जाएगी और इस भर्ती को वित्तीय मंजूरी मिलने के बाद जो राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ ने स्वागत किया है और उनके प्रदेश अध्यक्ष यानी कि राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन संघ के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा, मीडिया प्रभारी संतोष शर्मा का बयान, उन्होंने कहा है कि लंबे समय से जो खाली पद चल रहे थे तो इससे फैसले से बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा, इसके अलावा कार्यप्रणाली मजबूत होगी, सैंपलिंग और टेस्टिंग की प्रक्रिया में भी तेजी आएगी। दोस्तों, 1119 पदों के लिए वित्तीय मंजूरी मिल चुकी है और बहुत जल्द ये वैकेंसी आप लोगों के सामने होगी। अगर आप भी अपने भी लैब का डिप्लोमा, प्रमाण पत्र या अन्य कोर्स कर रखे हैं तो आप लोग तैयार हैं इस वैकेंसी के लिए, 1119 पद होंगे। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।